नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में मानसून को लेकर। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां झमाझम बारिश शुरू हो गई है। जिस बात का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वो दिन आ ही गया। बिहार में मानसून की दस्तक हो गई है। बिहार में मानसून की पहली बारिश शुरू हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों तेज और झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि प्रदेश के सभी जिलों में बारिश को लेकर अभी इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होने की बात कही जा रही है। बिहार में इन दिनों दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मानसून की पहली बौछार हो रही है। इन दिनों प्रदेश के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल में तेज बारिश हो रही है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में भी तय समय पर मानसून की एंट्री हुई है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 4 से 5 दिनों में प्रदेश में मौसमी हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार की तरफ आगे बढ़ रही है। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रदेश में इस बार बारिश सामान्य से अधिक होने की बात कही गई है। प्रदेश में मानसून को लेकर पटना मौसम केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि मानसून अगले 4-5 दिनों में पूरे बिहार में पहुंच जाएगा। इस बार मानसून की बारिश व्यापक गरज के साथ बिजली और आंधी होने की पूरी संभावना है। मासिक पूर्वानुमान के अनुसार जून में हिमालय की तलहटी वाले जिलों में सामान्य से अधिक बारिश होने की बात जो है वो कही गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि लगातार तीसरे साल बिहार में मानसून समय पर सक्रिय हुआ है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बुधवार की रात अथवा गुरुवार तक पटना में मानसून प्रवेश करने के आसार जताए गए हैं। बिहार में मानसून के प्रवेश को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी, जिसमें यह भी बताया जा रहा था कि बिहार में मानसून बॉर्डर पर खड़ा है। कहा जा रहा था कि सिलीगुड़ी और किशनगंज के बीच में 9 दिन तक मानसून जो है वो अटका रहा। मानसून सोमवार को अचानक से सक्रिय हुआ है। इधर मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि बिहार में मानसून 13 से 15 जून तक सक्रिय होने की बात कही थी। ऐसे में बिहार के उत्तर के हिस्से में मानसून सक्रिय होने की बात कही गई है। दैनिक जागरण की खबर को अगर हम माने तो सोमवार की दोपहर जारी रिपोर्ट के अनुसार मानसून अब सिक्किम के आगे उत्तरी पश्चिम बंगाल के साथ उत्तरी बिहार में सक्रिय हो चुका है, जबकि दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में हो रही मानसून लगभग 2 सप्ताह से ठहरा हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी सप्ताह के आखिर तक मानसून पूर्वांचल के रास्ते उत्तर प्रदेश में भी दाखिल हो जाएगा। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मानसून कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा के साथ ही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। मानसून की सक्रियता आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इधर दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश की सीमा पर भी दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम मानसून अब तक सक्रिय मोड़ पर पहुंच गया है, यह अब अरब सागर की ओर मुड़ रहा है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि मानसून अब पूर्वोत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में बारिश की शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में बारिश होने की भी बात कही जा रही थी। एक तरह से कहने की बिहार के 4 जिले जहाँ की मानसून की सक्रियता की बात कही जा रही है, प्रदेश में मानसून की सक्रियता की बात कही जा रही है, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल में बारिश होने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों के बीच में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होगा। इस दौरान राजधानी पटना में भी बौछार यानी कि बारिश की बौछार होने की बात कही जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।